कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल यात्रा जो कभी एक सपना था, अब वो साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में वादी कश्मीर में श्रीनगर स्टेशन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन से तो हेलो जी दोस्तों, कैसे सारे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो आज है डेट 20 फरवरी। तो यार आज जो है हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, आज जो है हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आज के दिन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे जम्मू MM स्टेडियम जम्मू, और वहां से आज होगा वर्चुअल इनॉग्रेशन USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। मतलब कि सारा का सारा तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन 48 किलोमीटर जो कंप्लीट है, जो वाला सेक्शन है बानीहाट टू संगलदान, तो उसका जो आज इनॉग्रेशन होगा। जी आप देख सकते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो है वेलकम किस तरह हुआ जम्मू में। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्राउड है ये जो है इनॉग्रेशन के टाइम, मतलब कितने ज्यादा लोग थे, और जो है सेफ्टी वगैरह का पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, तो यार ऑब्वियसली सेफ्टी तो एक नंबर पे होगी। तो यार काफी बढ़िया है, मतलब आज के दिन जो है तीन चीजों की इनॉग्रेशन हुई, एक तो एम्स जम्मू, दूसरा उधमपुर ये बानीहाल टू संगलदान वाला सेक्शन, इसका इनॉग्रेशन, और तीसरी किस चीज की मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा बाकी। तो तीन चीजों की आज इनॉग्रेशन हुई, तो इसी के लिए जो है आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू आए थे, और वहीं से जो है ग्रीन फ्लैग दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। तो फिलहाल अभी मैं आगे आपको फुटेज दिखाता हूँ जहां पे आप देखेंगे स्नोफॉल में से किस तरह से ट्रेन चल रही है, और एंजॉय करेंगे आप लोग। तो यस, आज के दिन जो है, तो आज के दिन जो है दो ट्रेन चली है इस ट्रैक पे, एक जो है श्रीनगर से गई डायरेक्ट संगलदान, और दूसरी ट्रेन जो है वो आई संगलदान से लेके बानीहाल। कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल यात्रा जो कभी एक सपना था, अब वो साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में वादी कश्मीर में श्रीनगर स्टेशन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन से बारामूला के बीच चलने वाली ट्रेन को अब माननीय प्रधानमंत्री जी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा खुशी का माहौल है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी पब्लिक आ गई है, बारिश में भी और बर्फबारी हो रही है अभी भी, लेकिन तब भी यहाँ पे पब्लिक। जो नॉर्दर्न रेलवे का सबसे बड़ा टनल है ये आप सामने देख पा रहे हो, इसी में ट्रेन आएगी, अभी निकलेगी, संगलदान की तरफ से आ रही है ट्रेन। तो ये आप देख पा रहे हो बर्फबारी भी यहाँ से जारी, और ट्रेन भी आने का इंतजार पूरा तहसील खड़ी कर रहा है अभी, और आप देख पा रहे हो ये कितने खूबसूरत नजारे। तो फाइनली गाइस ये आप देख पा रहे हो पैसेंजर्स को लेकर ट्रेन आ चुकी है खड़े रेलवे स्टेशन पे। तो ये देखो यहाँ संगलदान से इनॉग्रेशन इसका हुआ था, अभी जो है खड़ी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आ गई है, ये आप देख पा रहे हो विजुअल्स में। तो भाई ओए होए, मतलब 10 साल का जो इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है आज, ये आप देख पा रहे हो कि लोगों में जोश और खरोश, और ट्रेन आपको देख पा रहे हो, ये देखो भाई खड़ी रेलवे स्टेशन से आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं मैं। आवाज था जोश, तो ये आप देख पा रहे हो भाई खड़ी रेलवे स्टेशन से फाइनली ट्रेन गुजर चुकी है। ओ भाई कांग्रेचुलेशन, ओ कांग्रेचुलेशन भाई, कैसी खुशी है अभी आपको,
हाउ इज द जोश? भाई कैसा मजा आया भाई ट्रेन में, कितना भाई कैसे खुशी, कैसे खुशी का एहसास कर कैसे बर्फ पड़ी है सबसे बड़ी बात है और मजा बहुत ही आ रहा है भाई, कितनी खुशी हो रही है आपको भाई। ये आप देख पा रहे हो भाई, आप कहाँ से हो? हम भाई संगलदान से। संगलदान की पब्लिक अभी यहाँ पे पहुँच चुकी है, ये आप देख पा रहे हो भाई, अब तो हो गया ना और क्या भाई ने जी, ये आप देख पा रहे हो। आप क्या संगलदान से हैं? क्या कहेंगे जो ट्रेन जर्नी यहाँ शुरू होगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फीलिंग आ रही है हमको, ट्रेन में जा रहे हैं हम। तो भाई संगलदान कितने बजे निकली थी और कितना टाइम यहाँ खड़ी तक पहुँचने में लगा? संगलदान निकली थी 12:35 पे और आप इस टाइम निकली है 1:05 हो गया टाइम। चलो भाई, मतलब आप सबको मतलब खुशी स्नो फॉल हो रहा है और मतलब अच्छी लगी एकदम बढ़िया। ट्रेन के अंदर फाइनल आ चुके हैं, हम ये देख पा रहे हो भाई पूरी संगलदान की पब्लिक यहाँ पे और हाय हाय हाय, बाहर मौसम सबको ले जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हो भाई, सारे जो है खुशी का एक माहौल बन चुका है खाड़ी रेलवे स्टेशन में, ये आप देख पा रहे हो भाई। हाँ भाई कैसा फील हो रहा है भाई, कहाँ से आए आप हैं? कैसे फील हो रहा है, इंटरटेनमेंट हुआ ना? आखिरकार वो दिन आ ही गए, आप देख पा रहे हो भाई ट्रेन अंदर से बिल्कुल नई फ्रेश लग रही है एंड रेलवे। दो दिन पहले जो हम थे रामबन में और इसकी बदौलत हम आज पहुंचे। चलिए ये मतलब भी हम इसका थैंकफुल करेंगे कंपनी। चलिए शुक्रिया, मैं सबको यही कहूंगा कि आप आ जाओ इसमें ट्रेन में आ जाओ और कॉल करो, अभी जैसे होगा सबके लिए। आई विश एवरीवन मैं सबको यही मैसेज दूंगा आपके थ्रू माध्यम से, आप आ जाओ, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, चाहे जितने भी लोग हो सब एंजॉय करो, ये दिन दोबारा नहीं मिलेगा। टनल 50 के अंदर अभी हम हैं। जो पहले साल की ये आप देख पा रहे हो भाई, पब्लिक देख पा रहे हो आप, ये सिर्फ लॉन्च का फोटो देखो ना, सिर्फ पानी मैं साइड ले रहे यस मतलब फोटो। तो ये रहा भाई आपका मिजदिला एरिया। ये आप देख पा रहे हो बानीहाल, फाइनली गाइस ट्रेन अभी बानीहाल में बुनकोट में अभी हम, ये आप देख पा रहे हो बर्फबारी का, मगर इतको पब्लिक था इतना क्राउड नो। आप देखिए बर्फ बाहर जमा हो चुकी है, ये बनकोट का मकाम है और जहां आप हीरो टनल के अंदर जाएगी गाड़ी। ट्रेन के जो पैसेंजर्स थे उनको दूसरी ट्रेन में शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है ट्रेन वापस जाएगी संगलदान। तो आप देख पा रहे हो ये मनाजिर, अद्भुत नज़ारे देख पा रहे हो, बानीहाल का रेलवे स्टेशन की भीड़ अभी। काफी जो है यहाँ से खड़ी रेलवे स्टेशन में